ट्रॉमा होता है, कोई ट्रॉमा हो जाता है। और मैं आपको बताऊं कि जैसे हार्ट फेलियर है, हार्ट काम करना कम कर देता है, तो क्या होगा कि आपका 30-40% आप काम कर रहे हैं, 50-30 नॉर्मल जो होता है ना एजेक्शन फ्रैक्शन का लेवल, वो 55 से लेके 70 तक है। आप कार्डियो इकोग्राफी आती है आपके सामने आ गया जी, इसकी तो कार्डियो इनपुट आउटपुट ठीक ही नहीं है, और आप उसका चूंकि वो ब्लड सारा प्रेशराइज करके सर्कुलेट ही नहीं कर रहा बॉडी के अंदर, और वो रिटेन हो रहा है, रिटेन हो रहा है तो किडनी तक भी नहीं पहुंच रहा, किडनी तक भी नहीं पहुंच रहा तो गुर्दा खराब हो रहा है। और इसमें आपको मैं बताऊं कि जैसे वाइपरा है, जैसे नाजा है, हम क्या करते हैं, हम इसमें दो काम करते हैं, एक तो कार्डियक सपोर्ट हम देते हैं कि उसको ठीक करें, ठीक है, दूसरा फौरी प्रेशर कम करने के लिए हम एपस को देंगे ताकि किडनी से जो फ्लूड रिटेन होना शुरू हो गया उस फ्लूड को किसी से बाहर निकाले, वो फ्लूड को एपस निकालेगी, उस फ्लूड को नाजा बहुत अच्छा निकालती है, उसको वाइपरा बहुत अच्छा निकालती है, कार्डियक जो खराबी की वजह से आपकी बॉडी में फ्लूड रिटेन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको एक तो बाहर निकालेंगे पानी को, दूसरा कार्डियक प्रेशर बेहतर करना शुरू कर देंगे हम, लेक्सिस लाइको ऑरोमेट या इस तरह की दवाइयां दे के हम क्या करेंगे कि उसका हार्ट को बेहतर करेंगे। जब हार्ट पंपिंग बेहतर करना शुरू कर, साथ साथ हम सेमस्टेनियसली हम ड्रेनिंग का प्रोग्राम भी साथ रखेंगे, एप्पल दी, डिजिटेलस दी, नाजा दी, क्या किया, पानी फ्लूड कम किया, हार्ट से प्रेशर रिलीज किया और आर्टरी रीनल आर्टरी की सप्लाई पूरी की, तो गुर्दे काम करना शुरू कर देते हैं। और बेशुमार मरीज हमने जो कार्डियक पेशेंट थे वो हमने इस तरह उनको चला के उन्होंने ठीक कर दिया। साथ साथ में उसको बहुत ज़्यादा जिनको आ जाता है एक आध डोज हम डेली जिंदगी की देते रहते हैं, साथ हम उसका दिल का इलाज करते रहते हैं, साथ उसके पानी को बाहर फेंकते रहते हैं, और वो दो तीन चार महीनों में उसका किडनी प्रोटीन लेवल वगैरह सारा एब्सोल्यूट नॉर्मल हो जाता है। लेकिन ये टेक्निक्स है ना, आप यूँ करेंगे कि आप कार्डियो सपोर्ट उसको दें, मेरा दिल के इलेक्ट्रोमें बड़ी डिटेल हमने की हुई है। तो मैं तो चूंकि आपको यहाँ अगर एक एक टॉपिक इतना बड़ा ना, मैं इसको सिर्फ टच करते निकल रहा हूं, क्योंकि मेरा मेन टारगेट किडनी को संभालना है, और किडनी को संभालने के लिए कॉजेज मैंने डिस्कस करनी है, ये सारे लेक्चर मेरे मौजूद हैं, है टॉपिक पे मेरा लेक्चर मौजूद है, शुगर पे मौजूद है, हार्ट पे मौजूद है, ट्रोमा पे मौजूद है, कोई तो हम कार्डियक पोजिशन बेहतर कर